आज मैं आपको दिखाऊंगा कि यूके में हम घर में इफ्तारी कैसे करते हैं। पाकिस्तानी जितने भी हैं ना, कहीं भी चले जाएं दुनिया में, पकौड़ों के बगैर हमारी इफ्तारी नहीं बनती। पकौड़े तो लाजमी बनाएंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखा करें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके रोजे अच्छे जा रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत सारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी इफ्तारी वाली, आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया और आपने बड़ा पसंद किया उसको। और आपसे मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको भी उसी तरह ही लाइक शेयर और कमेंट किया करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि यूके में मस्जिद में इफ्तारी कैसी होती है, और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि यूके में हम घर में इफ्तारी कैसे करते हैं। इसके लिए आपको रहना होगा मेरे साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखा करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगी और आप इस वीडियो को भी वैसे ही प्यार देंगे जैसे आपने पिछली वीडियो को प्यार दिया। और हाँ जी, एक बात और कि मेरा नया रमज़ान का कलाम रोज़े रख लो पढ़ो नमाज़ा वो रिलीज़ हो चुका है, और वो भी उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज़रूर देखें और उसको लाजमी शेयर करें। रमज़ान का बहुत अच्छा और बहुत प्यारा कलाम बनाया मैंने, अल्लाह पाक से एक गुजारिश की हुई है, उसमें एक दुआ की हुई है। आप लोग सुनेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे वो आपके लिए है। मैं घर पहुँच गया हूँ तो आज देखते हैं इफ्तारी में क्या बनता है। उम्मीद है कि पकौड़े तो लाजमी बनाएंगे क्योंकि पकौड़े हमारी फेवरेट डिश है। पकौड़ों के बगैर मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में या यूके में किसी घर में इफ्तारी होती हो। पकौड़े और समोसे और फ्रूट चाट और दही भल्ले, ये चीज़ें तो लाजमी होनी चाहिए ना इफ्तारी में, इसके बगैर तो हमारी इफ्तारी होती ही नहीं है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जो भी होगा अच्छा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इफ्तारी में अगर पकोड़े ना हो तो हमारी इफ्तारी नहीं बनती। हम पाकिस्तानी जितने भी हैं ना, कहीं भी चले जाएं दुनिया में, पकोड़ों के बगैर हमारी इफ्तारी नहीं बनती। यही डिसाइड हुआ है कि इफ्तारी में हम पकोड़े आज लाजमी बनाएंगे। उसके लिए प्याज काटते हैं, ये हम जनाब काट रहे हैं प्याज। प्याज के साथ काटेंगे थोड़ी सी पालक। प्याज हमने काट दिया जितना हमें चाहिए था, इसमें अब मिक्स करेंगे पालक। प्याज को डाल दिया इसमें क्योंकि अभी पालक काटनी है, तो ये बोर्ड होना चाहिए साफ, कटिंग बोर्ड। इसके साथ हम डालेंगे ये पालक पकौड़ों के लिए, पालक तो ज़रूरी है। फिर टेस्ट के लिए थोड़ा सा ऐड करूँगा मैं हरा प्याज। वॉश करके प्याज के अंदर मिक्स कर दिए, इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा प्याज, इससे एक डिफरेंट टेस्ट आता है। ये मेरी अपनी रेसिपी है। ये जनाब हम काट रहे हैं हरा प्याज पकौड़ों में। पहले दूसरा प्याज काटा था, फिर पालक काटी है, अभी थोड़ा सा इसमें टेस्ट के लिए हरा प्याज भी शामिल करेंगे, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। हरा प्याज काट के वो भी इसके अंदर मिक्स कर लिया है। इसके बाद थोड़ी सी इसमें मैं डालूँगा हरी मिर्चें, जनाब डाल दी हमने हरी मिर्चें इसके अंदर। इसके बाद इसमें डालेंगे मिर्च मसाला, जो जो भी चीज़ें इसमें जाती हैं। बेसन में डाल दिए सारे मसाले, नमक मिर्च, हरी मिर्च, वो दरदरी मिर्च और सूखा धनिया, इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स करूँगा, और फिर आधा काम तकरीबन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं इसमें, इसमें बेसन भी मिक्स हो गया है, इसमें प्याज, इसमें पालक, इसमें हरा प्याज, इसमें नमक मिर्च, सूखा धनिया, जो जो चीज़ें थी वो सारी कर दी हैं मिक्स, और अब बनेंगे इसके मज़ेदार पकौड़े। ऑयल गर्म होने के लिए ये रख दिया है, तो अब मैं कर रहा हूँ इसका वेट।
ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर पकौड़े बनाने करेंगे स्टार्ट। ऑयल गर्म हो चुका है मेरा ख्याल है, तो पकौड़े बनाने शुरू करते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। बिस्मिल्लाह। इफ्तारी में टाइम भी थोड़ा ही रह गया है और हमारे पकौड़े बन जाए, बस जल्दी जल्दी इसके बाद दो तीन चीज़ें और बनानी हैं अभी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि टाइम पे सारी चीज़ें बन जाएंगी। ये पकौड़े हो गए रेडी, इनको निकालते हैं। ये थोड़ा बन गया बड़ा, बड़े साइज़ का, तीन पकौड़ों का एक पकौड़ा लग रहा है। ये पकौड़े हो गए रेडी जनाब, बड़े खूबसूरत शक्ल आ रही है पकौड़ों की, तो उम्मीद है इंशाल्लाह जायका भी बड़ा अच्छा होगा। पकौड़े माशाल्लाह रेडी हो गए हैं, मैं बना रहा हूँ ये समोसे। ये घर बना के हम इसको कर लेते होते हैं फ्रीज, और देखिए माशाल्लाह ऐसे ही लग रहा है जैसे ये बाज़ार के समोसे होते हैं। इंशाल्लाह मैं किसी दिन आपको इसकी रेसिपी बताऊँगा, ये चिकन वाले समोसे हैं। इसके बाद एक दो चीज़ें और बनाएंगे, फिर इंशाल्लाह इफ्तारी का सारा अहतमाम मुकम्मल हो जाएगा। समोसे रेडी हो चुके हैं, ये देखें जी माशाल्लाह ऐसे प्यारे कढ़ाई वाले समोसे बने ना, वो देख के ना मुंह में आ रहा पानी, और इनकी शक्ल देखें कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह, और टेस्ट भी इससे खूबसूरत होगा इंशाल्लाह। चिकन पॉपकॉर्न हो चुके हैं रेडी, और ये बड़ा शोर कर रहे हैं, कह रहे हमें जल्दी से बाहर निकालो और हमें खाने वाले बना पता था। माशाल्लाह इफ्तारी हमारी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं समोसे, चिकन पॉपकॉर्न, पकोड़े, और साथ ये बनाई है चटनी दही की, और जनाब दूध सोडा, और ये थोड़ा सा फ्रूट है, ये स्ट्रॉबेरी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है, और ये फ्रूट भी देखें माल्टा या किन्नो जो भी है, ये भी फ्रेश लग रहा है। इफ्तारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इफ्तारी का टाइम भी हो चुका है, सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं और इफ्तारी का टाइम भी हो गया है। ये थी आज की वीडियो इफ्तारी की, मैंने आपको दिखाया कि यूके में इफ्तारी कैसे करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे पाकिस्तान में इफ्तारी की तैयारी करते हैं, और जो जो थोड़ी सी चीज़ें थी वो रेडी की हैं इफ्तारी के लिए, पकौड़े, समोसे, चिकन पॉपकॉर्न, और थोड़ा सा फ्रूट और दूध सोडा। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और वैसे ही आपने प्यार दिखाना है जैसे पिछली इफ्तारी वाली मस्जिद वाली वीडियो पे आपने दिखाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।